हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंट्राडे एक्सपर्ट में, जहां हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को डेली एनालाइज करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। ये निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम है। निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाया है और बैंक निफ्टी ने एक बुलिश कैंडल फ्रेम किया है। इसको हम लोग हैमर ही बोल सकते हैं। तो कल के लिए कौन से लेवल इम्पोर्टेंट होंगे, कल कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मार्केट एनालिसिस से जुड़ा वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। बात करते हैं कल के लिए। अच्छा, पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। आज हम लोग वीडियो लेट बना रहे हैं क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, इस वजह से वीडियो अभी 9 बजे बना रहा हूँ, 9 PM। तो अभी हम लोग के पास US मार्केट का डेटा भी अवेलेबल है, ग्लोबल मार्केट का। तो चेक करेंगे, डाउ जोन्स देखिए 2.63% प्लस है, S&P 500 4.19% प्लस है और नासडाक 5% प्लस है। तो ग्लोबल मार्केट से काफी पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है हम लोग को। तो हो सकता है कल इंडियन मार्केट हम लोग का जो काफी अच्छा पॉजिटिव गैप अप ओपन होगा। तो एजेक्स वगैरह भी दिखा रहा है अच्छा, 18,300 दिखा रहा। तो हो सकता है हम लोग का कल ओपनिंग 18,300 के ऊपर ही हो। तो ओपनिंग देखिए, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग ये हमारे हाथों में नहीं होता है, तो आपको लेवल फाइंड करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन आपके हाथों में नहीं है। इंट्राडे में काम करना विद प्रॉपर लेवल के साथ ये आपके हाथों में है। तो हम लोग लेवल ड्रॉ करते हैं भले मार्केट कल जहां भी ओपन हो। तो पहले बात करते हैं बाइंग की। बाय करेंगे हम लोग जो टेक्निकल के हिसाब से बाय करना है हम लोग को 18,060 के ऊपर। 18,060 के ऊपर हम बाय करेंगे फॉर द फर्स्ट टारगेट 18,120 एंड सेकेंड टारगेट 18,210। तो ये दो लेवल टारगेट बन रहा हम लोग का। बट जैसे कि ग्लोबल मार्केट दिखा रहा है 5% प्लस, 4% प्लस, नासडाक 5% और डाउ जोन्स 2.63%। तो इस हिसाब से लग रहा है कि मार्केट हम लोग का ये सब सारा जो टारगेट है ना, ये अचीव हम लोग का अर्ली मॉर्निंग में हो जाएगा। हो सकता है कल मार्केट इसके ऊपर खुले 18,290। जो रिसेंट हाई है, अभी जो लास्ट स्विंग हाई है, हो सकता है मार्केट कल इसके ऊपर ही खुले। तो ये तीन टारगेट आपको दिया जा रहा है। तो हो सकता है कल मार्केट इसके ऊपर खुले, तो फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा वन डे टाइम फ्रेम से। तो उसके बाद कौन से लेवल नजर आ रहा है देखते हैं हम चार्ट में। उसके बाद है 18,357, इसको मार्क कर लेते हैं 18,357। तो सारे लेवल निकाल दिए। अगर 18,357 के ऊपर भी अगर मार्केट निकल जाए तो ऑल टाइम हाई, फिर 18,600 और 500, ये सब लेवल खुल जाएंगे। ठीक है, ये सब टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर बाइंग हम लोग का 18,060 के ऊपर बाय करना है। फॉर द फर्स्ट टारगेट 18,120, सेकेंड टारगेट 220, थर्ड टारगेट 300 एंड फोर्थ टारगेट 357। बट जैसा ग्लोबल मार्केट से जैसा सिग्नल मिल रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि कल मार्केट ये सारे लेवल के ऊपर ही ओपन होगा। और बात करते हैं सेलिंग के लिए। तो फिलहाल सेलिंग हम लोग को इस लेवल नीचे करना चाहिए, भले कल ये लेवल ना मिले। सेलिंग का जो प्रॉपर है सेटअप यहाँ बन रहा 17,970, इसके नीचे सेल करना है। 17,970 के नीचे सेल करेंगे फॉर द फर्स्ट टारगेट ये एरिया 17,900 एंड सेकेंड टारगेट 17,800। तो ये दो लेवल तभी मिलेंगे जब 17,970 ब्रेक हो। बट जैसे ओपनिंग लग रहा है निफ्टी का कल का, तो काफी बुलिश लग रहा है, 200-250 पॉइंट कल ऊपर खुलेगा मार्केट, ऐसा अभी देख के लग रहा है, अभी का जो डेटा है उस हिसाब से लग रहा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी ने एक बुलिश कैंडल फ्रेम किया है। बैंक निफ्टी के लिए कल के लेवल निकालते हैं हम लोग। पहले बात करते हैं इस वीडियो की। देखिए, आज हम लोग 10 बजे YouTube में एक वीडियो अपलोड किए थे। इस वीडियो में मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी जब तक ये लेवल ब्रेक ना करे, लो लेवल, तब तक मोमेंटम नहीं नजर आएगा। बैंक निफ्टी देखिए पूरा साइडवे था, जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ इस चीज को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल में इस चीज को अपडेट दिया। देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी का प्रॉपर सेटअप के साथ हम लोगों ने अपडेट दिया। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा सेटअप बन रहा है, बी एक्टिव। ये वीडियो, ये पोस्ट मैंने 10:40 AM में किया। उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी का शॉर्ट किए, 41,500 का पी वाई किए 394 में। और देखिए इसको हम लोग होल्ड किए 406, 421, 422, 421 में भी होल्ड में थे हम लोग, 440 में भी होल्ड में थे और फाइनली हमने 450 में टारगेट सेट कर दिए और हमारा टारगेट हिट हो गया। देखिए 453 कितना बजे, 12:18 में। और एक चीज नोटिस करने वाला बात है, हम लोग जहां सेल किए हम लोग इस जोन पे सेल किए और प्राइस यहीं से घूम गया। हम लोगों ने सेल किया 453 और उसने हाई लगाया 458। तो हम लोग जहां सेल किए प्राइस वहीं से घूम गया। तो सेल के पीछे जो मेजर रीजन था वो था ये सपोर्ट। तो बैंक निफ्टी अपना प्रीवियस डे के सपोर्ट पे आया था,
तो हम लोगों ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया और हम लोग स्मार्ट एग्जिट किए और अच्छा प्रॉफिट लेके हम लोग एक्सपायरी डे के अंदर अच्छा प्रॉफिट कमा लिए। और देखिए वही से मार्केट रिवर्स हो गई। तो बात करते हैं कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे। पहले बात करते हैं बाइंग की। तो जैसा दिखा रहा है ग्लोबल मार्केट, तो उस हिसाब से तो बैंक निफ्टी यहाँ किसके ऊपर खुलेगा, 42,000 के ऊपर खुलना चाहिए आई थिंक। जैसा अभी का जो डेटा है सिनेरियो चेक कीजिए, 5% नस्दाक और डाउ जोन्स 2.55% प्लस है, 2.55। तो उस हिसाब से लग रहा है कि ये तो खुलेगा ही 42,000 पे, ऑल टाइम हाई के ऊपर खुलेगा। तो फिर भी हम लोग लेवल निकालते हैं। तो बाय का जो लेवल है, बाय करेंगे हम लोग, बाय करना है हम लोग को 41,640। देखिए एज पर टेक्निकल, भले मार्केट जहां भी ओपन हो, बट हम लोग जो लेवल ड्रॉ करते हैं तो लेवल ड्रॉ करने का जो तरीका है वो सेम रहेगा। तो 41,640 के ऊपर बाय करना है फॉर द फर्स्ट टारगेट ये जोन पे 41,790 एंड सेकेंड टारगेट ऑल टाइम हाई 41,950। ये ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर तो स्काई इज द लिमिट है, इसके ऊपर तो फिर कोई लेवल नहीं है। बैंक निफ्टी एक नया हाई पे हाई बनाएगा, तो हो सकता है कल मार्केट इसके ऊपर ही खुले, एक नया हाई के ऊपर खुले। तो ये सब सारा जो टारगेट है ये गैप अप ओपन करके ये सारे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं सेलिंग के लिए। तो सेल करने के लिए बैंक निफ्टी को सेल करना है इस जोन के नीचे। सेलिंग तो काफी नीचे है, हो सकता है कल सेलिंग साइड का पोजिशन ये जो लेवल आएंगे नहीं, 41,320 के नीचे सेल करना है फॉर द फर्स्ट टारगेट 41,050 एंड सेकेंड टारगेट 41,850। तो कल मार्केट तो काफी गैप अप ओपन होने वाला है, तो अपना ट्रेड को अकॉर्डिंगली प्लान कीजिएगा और ध्यान से काम कीजिएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो लिंक से जाकर इस चैनल में जुड़ जाइए, इसमें लाइव अपडेट दिया जाता है, लाइव मार्केट में जो जो मुझे नजर आता है सब कुछ इसमें अपडेट करने की कोशिश किया जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।